दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वारघाट में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं हो रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण शनिवार देर शाम को उस समय देखने को मिला जब उपमंडल स्वारघाट के ग्राम पंचायत कुटहला के गांव क्यारिया में खेतों में काम कर रहे 9 लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। परिजन बेहोशी की हालत में जब घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्वारघाट लेकर गए तो वहां पर ताला लटका हुआ मिला। ऐसे में मजबूरन परिजनों को प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करवाना पड़ा। घायलों के परिजनों ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प नंबर 1100 पर शिकायत दर्ज करवा दी है। मैं सर देवेंद्र ठाकुर बोल रहा हूँ, गांव क्यारिया से। हमारे आज मधुमक्खियों ने 4 बच्चे और 2 लेडीज को बहुत बुरी तरह से काटा हुआ है। जब हम स्वारघाट हॉस्पिटल में आए तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, और 4 बजे का ताला लगा हुआ है वहाँ पे। तो हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ किसी से, तो हम बड़े बड़े दूर ले बच्चों को और लेडीज़ को ले जाना पड़ता है, बिलासपुर, नालागढ़, कोई नंदपुर को, नंगढ़ को, रोपड़, कहीं भी ले जाना पड़ता है। हमारी सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है और बड़ा बड़ा HPCC से CSC बना दिया हॉस्पिटल, इतने बड़े पैसा लगाने का क्या फ़ायदा है? या तो इसको हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए, प्राइवेटों को इसकी अनुमति दी जाए। हमें सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि अगर चलाना है इसको तो बिल्कुल ढंग से चलाएं, अगर नहीं चलाना है तो इसको बंद कर दिया जाए। अस्पताल का नाम कौन सा है? स्वारघाट पीएससी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट। हाँ जी। अच्छा, क्या सरकार का क्या यहाँ पे दिक्कत है? क्या ये क्या कितने डॉक्टर कुछ पता है जी? कोई पता नहीं जी, अभी आई है कोई डॉक्टर, उसका तो अभी हमने देखा भी नहीं है उसको। अच्छा जी। और बाकी तो 4 बजे चलो दिन में तो होते हैं, लेकिन 4 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक कोई नहीं होता है। कम से कम सरकार से हम ये चाहते हैं कि जब इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार तो लोगों को सुविधा। यहाँ हमारे स्वारघाट ब्लॉक की कम से कम 12-15 पंचायतों को है, नालागढ़ का एरिया हमारे साथ लगता है, पूरी पंचायत कितने बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ तो कोई ना कोई डॉक्टर इमरजेंसी चाहिए जी। अगर कोई हमें इतना बड़ा हादसा हो जाए, कोई आदमी मर जाए बिलासपुर जाते जाते ही, तो हमने इस स्वारघाट से क्या लेना है कि हमारे हॉस्पिटल है बड़ा, बोलने के लिए तो नाम बड़ा है, तो हमने ऐसे हॉस्पिटलों से क्या करना है जब यहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। सरकार को मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ कम से कम कोई डॉक्टर बैठाए अच्छे से, और शाम को नाइट ड्यूटी भी होनी चाहिए। मैं यहाँ 10 बार आ गया, हमारे गांव में बीमार हुए तो मैं यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ स्वारघाट में ऊपर जाते हैं तो वहाँ से हम फिर मैं नालागढ़ ले गया हॉस्पिटल, और इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, या फिर आनंदपुर साहब लेके जाते हैं। प्राइवेट बोलते हैं हमें इनकार है, फलाना है, तो हम कहाँ लेके जाएं? प्राइवेटों या तो प्राइवेटों को ही अनुमति दे कि नहीं कोई भी है तो इनसे उपचार किया जाए। गांव क्यारिया में हमारे मधुमक्खियों ने बहुत सारे लोगों को काट दिया, जो हमारे माताएं बहनें जो जंगल में गई थी लकड़ियां घास लाने के लिए, तो वहां बच्चों भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, कम से कम 50-100 बच्चे खा लिए, और मधुमक्खियां घर तक आ गई और सारे गाँव वाले उनको छुड़ाने के लिए गए, और लेकिन हमारे पशु भी काट दिए और बहुत सारी मधुमक्खियां, धुआं भी लोगों ने किया सड़क में, और तब जाकर के मधुमक्खियां गई। और बड़े दुख की बात है कि जब हम अस्पताल यहाँ स्वारघाट में आए, कहने को तो बहुत बड़ा अस्पताल है, दो दो डॉक्टर हैं, लेकिन हमें कोई भी सुविधा यहाँ प्रोवाइड नहीं है। जबकि हम यहाँ आए तो यहाँ कोई ना कोई डॉक्टर है, ना कोई एम्बुलेंस, हमें फर्स्ट एड दी गई और उसके बाद हमें निजी डॉक्टर के पास प्राइवेट डॉक्टर का सहारा लेना पड़ा, और तब जाकर के हमने इनका उपचार करवाया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी, ओनली यूनिवर्सिटी प्रमोटेड एंड मैनेज्ड बाय हिमाचली पर्संस, एंड टू गेट UGC अप्रूवल इन फर्स्ट इंस्टेंस, 7 इयर्स ऑफ फाइनेस्ट एग्जिस्टेंस, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट विद कंड्यूसिव एम्बियंस फॉर एजुकेशन। कोर्सेज ऑफर्ड: BA, BEd, BSc, BEd, B Pharmacy, B Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BAMS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, M Tech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details.